पापों का घड़ा भर चुका है। देख, एक की जगह दो दो ठोकर मारने वाले आ गए। देख, ढूंढ डालो इन हरामजादों को। हश्र जो आप देख रहे हैं, ये बर्बरता से होते हुए मेरे छाती के टुकड़े हैं। मैं बदकिस्मत हिंदुस्तान हूं, हालांकि विश्व का एक छोटा सा टुकड़ा हूं, पर मेरी बदकिस्मती की इंतहा तो देखिए। हमलावरों ने तमाम मुल्कों में से मुझे ही चुन लिया और मेरा नाम सोने की चिड़िया रखकर जी भर के लूटा, मुझे जात के नाम पर बांटा, सदियों मेरे एक एक अंग पर भ्रष्टाचार की खेती की, और जब इससे भी उनका पेट नहीं भरा तो मजहब के नाम पर एक ऐसी आग लगाई जिससे आजाद होने के बाद भी आज मैं जल रहा हूं। ये उन गद्दारों में से एक है, इसकी शक्ल ही नहीं इसकी आत्मा की क्रूरता को देखिए। पिछले 40 सालों से ये मुझे विदेशियों के हाथों बेच रहा है, हिंदू और मुसलमान का नाम लेकर भाई को भाई से लड़वा रहा है। बस अब एक और चिंगारी लगा देने की देर है मेरे साथियों। मजे की बात तो यह है कि ना कानून के हाथ आज तक हम तक पहुंच पाए हैं और ना ही कभी पहुंच पाएंगे। जहां कानून के हाथ पहुंचने में देर हो जाए वहां कानून की लात पहुंच जाया करती है, समझे? काट दो इसकी टांगे, ये कोई चोर या डाकू लगता है। देश को लूटने वाले डाकू कानून को डाकू कहता है। हां, अब कानून तुझ पर डाका डालेगा, तेरा घर, तेरी जमीन, तेरी जायदाद, तेरी एक एक पाई जब्त कर ली जाएगी और तेरी दोनों टांगे काटकर सड़क पर फेंक दिया जाएगा, ताकि जिस देश को तू लूटता रहा है उसी देश के वासियों के सामने तू हाथ फैलाकर भीख मांग सके और कहे कि बाबू एक पैसा दे दे। मुझे अपनी लातों से गिर जाने वाला किराए का टट्टू समझा है क्या?
अरे अभी भी इन हाथों में इतनी ताकत है कि तुझे छठी का दूध याद दिला दे। मुझसे मेरी मां का दूध छीनने वाले पापी कंस, मुझे तेरे हाथों की 20 साल से तलाश थी। कानून अगर तेरी टांगे काटेगा तो अमर तेरे हाथ। मैं वही अमर हूं जो उस वक्त 2 साल का था। याद कर शांति देवी और हरदयाल जी को। वो मेरे मां बाप थे कमीने, मेरे मां बाप। जिंदगी भर जिस अपमान की आग में तेरा बाप चलता रहा है ना बेटे, कल वो आग हमेशा के लिए बुझ जाएगी। इस हरामजादे हरदयाल के बच्चे को तो मैं कुत्ते की मौत मारूंगा, और इसकी पत्नी शांति देवी, इस शांति देवी को तो मैं जिंदगी भर के लिए अपनी रखैल बना के रखूंगा। आज तू हर पाप अपने मुंह से उगलेगा। इतना दर्द पहुंचाऊंगा तुझे कि अपने पाप की कहानी तो खुद ब खुद उगलेगा। जब तक तेरे अंदर सांस है तू नहीं भूलेगा। मैं तेरी सांस ही बंद कर देता। मैं बताता हूं मुझे लाखों करोड़ डॉलर देने वाले चाहते थे कि मैं देश में दंगा फसाद करा दूं। मैंने सोचा अगर मेरा कोई आदमी हरदयाल के बेटे को मार देगा तो देश में बलवे की आग और बढ़ जाएगी। हरामजादे, वो तेरा दोस्त था कमीने, उसने तुझे रोटियां खिलाई थी। अरे वो मुझे इतने रुपए दे रहे थे, दोस्त क्या मैं अपने बाप का भी खून करवा देता। बोल, सिर्फ तुम जैसा एक गद्दार ही ऐसा कर सकता था, तुम जैसा एक वैशी दरिंदा। बोल उसके आगे फिर क्या हुआ, बोल। बोलो, मंदिर तक पहुंच चुके थे। बच्चे का नाम आसे होना चाहिए। तो ठीक है पंडित जी, आसे अमर रख दीजिए। शुभ है। क्यों गोगा, अमर ठीक रहेगा ना? हाँ हाँ, अमर जो कभी ना मरने पाए। अरे करो तुम, पकड़ो कोई, बदमाश मेरा बच्चा। खबरदार आगे मत बढ़ना। अच्छा तो ये बात है। महासवाइयों के लीडर, ना हम तुम्हें छोड़ेंगे और ना ही तुम्हारे बेटे को। आज तक उनके दर्शन कभी नसीब नहीं हुए, एक लावारिस बनकर रह गया मैं। पुकार हरामजादे, अपनी मदद के लिए किसी को पुकार सकता है तो पुकार। अभी तो मैंने कुछ नहीं किया, जो करूंगा उससे तेरा कलेजा फट जाएगा। कहां है तेरा? मैं पूछता हूं, बेटा कहां है तेरा? मेरा कोई बेटा नहीं है। है। सच बोल वरना एक्सीलेटर दबता जाएगा और गाड़ी की स्पीड बढ़ती जाएगी। बोल। नहीं, मेरा कोई बेटा नहीं है। अरे मैं कब कहता हूं कि मेरा बेटा नहीं था? था मेरा एक बेटा, लेकिन एक दिन मुझे छोड़ के कहीं भाग गया। मुझे तो यह भी नहीं पता कि वो कहाँ रहता है, क्या करता है। अरे वो जिंदा भी है या मर गया? मर गया मेरा बेटा। थैंक यू डैड, तुमने किस खूबसूरती से मुझे बता दिया कि मुझे क्या करना है। मैं समझ गया डैड, सब कुछ समझ गया।
आप कुछ नहीं समझे। गोगा जी से सुपर पावर का नाम तो सुना होगा आपने। सारा इंतजाम कर दिया गया है, आप अभी और इसी वक्त हमारे पास चले आओ। शाबाश अमर, 20 साल से सीबीआई की आंखों में धूल झोंकने वाले अपराधी को आज तुमने वही धूल चटवा दी। तो तुम हो जिसने अमर को मेरे बारे में सब कुछ बताया है? नहीं, इस लॉकेट ने, इस चेन ने, वरना मुझे तो यह भी नहीं पता चलता कि अमर हरदयाल जी का खोया हुआ बेटा है। हरदयाल का बेटा? और देख उसकी कुदरत कि 2 साल के भटकते हुए बच्चे को भगवान ने इन्हीं की चौकट पर भेजा, ताकि तेरी बनाई हुई सोने की चेन फांसी का फंदा बनकर तेरे गले में पड़ जाए। खुशियों से फूले ना समा अमर, वो देश और उसकी इंटेलिजेंस तुम में से किसी को जिंदा नहीं छोड़ेगी। कौन सा देश, कौन सी इंटेलिजेंस? बोलता है ले चलूं तुझे टॉर्चर से मेरे। बोल, तुम समझते हो मुझसे उगलवा लोगे अमर? तुम जीते नहीं अमर, तुम हार गए हो, हार गए। हरगिज नहीं, मैं अच्छी तरह जानता हूं तुम चाल चल गए हो। अपने बेटे से तुमने अपने आप को अलग किया है, इसकी खबर तुम दे चुके हो। मैं उसे आकाश में हो तो आकाश से, पाताल में हो तो पाताल से खींचकर बाहर निकालूंगा, समझे? समझे? हरामजादे, तूने मेरे बाप को मार डाला, मैं आ रहा हूं। अगर तुझे जान से ना मार दिया तो मेरा नाम रुक जाइए। होश से काम लीजिए, अगर आप भी पकड़े गए तो आपका भी वही हाल होगा जो आपके बाप का हुआ है। ब्रिजबान साहब। ब्रिजबान? कौन ब्रिजबान? ये आपका नया नाम है। आप अभी जो कुछ देख रहे थे वो हमारे सैटेलाइट से लाइव रिले था। जी हाँ, यहाँ की वजह से बीच का हिस्सा तो आप देख ही नहीं पाए। गोगा जी ने उस जीप के साथ दौड़ते दौड़ते कई बार उन्होंने अपने मुंह से खून थूका, लेकिन उस हरामजादे को न उसे जीप में बिठाना था और न ही बिठाया। उसने गोगा जी का कलेजा फाड़ के रख दिया। मैं उसके एक एक आदमी, औरत और बच्चे का कलेजा फाड़ डालूंगा। गो स्लो, अभी उसका वक्त नहीं है। ये है बम गोले बनाने के एक्सपर्ट, और ये हैं वॉरफेयर के मास्टर, और ये हैं हर ताले की चाबी, और ये हर चाबी का ताला। हम लोग हथियार चलाने की और लड़ने की ट्रेनिंग फौज की तरह कैंपस में देते हैं। हम लोगों से ट्रेनिंग लेकर आप अपने आदमियों को छोटे छोटे अलग अलग सूबों में भेज दीजिए। तोड़ डालिए इस देश को, तोड़ते जाइए, तोड़ते जाइए। मैं हर महकमे में भ्रष्टाचार का दीमक लगा दूंगा, कश्मीर से कन्याकुमारी तक ऊंट का कैंसर फैला दूंगा। वो गांधी जिस आंधी को नहीं रोक पाए उस आंधी को पूरे देश में उड़ा दो। जब मजहब खतरे में होता है ना, तो हर जाहिल आदमी मरने मारने के लिए तैयार हो जाता है। झोंपड़पट्टी के जवान और पढ़े लिखे बेरोजगार इंसानों में तुम्हारी फौज के, तुम्हारी बनने वाली फौज के सिपाही छिपे हुए हैं। गरीबों के हाथों में नोटों के बंडल थमा दो, अपने आप ही वो बम गोले और तोपें बन जाएंगी। ये हैं आपकी फौज के कुछ और सिपाही, ये हैं लोटाराम। जिस दिन करप्ट आदमियों की किताब छपेगी उस दिन गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इनका नाम सबसे ऊपर होगा, सबसे ऊपर। जनरल ये तो बताओ कि कौन से देश के नवरत्न हैं ये? ये हमें क्या बेचते हैं और हम इनसे क्या खरीदते हैं? ये फोटो देखिए, इस आदमी का ऑपरेशन चल रहा है इसलिए इस वक्त वो यहां नहीं आ पाया। इसका नाम है जॉनसन। देखने और सुनने की ताकत को छोड़कर इसके बदन से उसकी सारी ताकत बाहर निकाली जा रही है। इसके पकड़े जाने का हमें कोई खतरा नहीं, क्योंकि अगर ये पकड़ा भी गया तो ये कुछ भी नहीं उगल सकेगा। है ना साइंस की कमाल? फैंटास्टिक। साइंस की एक दूसरी कमाल भी हमारे पास मौजूद है, लेकिन इसके बारे में लोटाराम बताएंगे। हाँ जी, वो क्या है कि
किसी जमाने में मैं एक बहुत ही ईमानदार पुलिस ऑफिसर था। वो मुझे, क्योंकि मुझे मौत से बिल्कुल डर नहीं था, इसलिए कि एक बहुत बड़े ज्योतिषी ने मुझे ये कह रखा था कि अगर मेरी मौत होगी तो सिर्फ मगरमच्छ के खाने से ही होगी। और मैंने इसलिए मैंने इनके साथ काम करने से इनकार कर दिया था। लेकिन उसी वक्त न जाने अचानक कहां से वो राक्षस आ गया। बस उसके बाद ही मैंने इनके साथ काम करना शुरू कर दिया। और फिर एक बार पैसे का चस्का लगा साहब जी, तो दे झटके पे झटका। ये जहरीला सांप ने बेटे और उस मुल्क का राज जिसकी इंटेलिजेंस की ये बात कर रहा था, शायद यहाँ के कुछ सरफिरे नौजवानों में छोड़ गया है। कहीं आप करीम और हरिहरन की बात तो नहीं कर रहे हैं? प्रिसाइजली। और आज तक यहाँ की पुलिस उन्हें गिरफ्तार नहीं कर सकी? सब जानते हैं ये दोनों गुट एक दूसरे के जानी दुश्मन है, लेकिन जब कानून के सामने आते हैं तो दोस्त बन जाते हैं। एक का नाम है करीम और दूसरे का नाम है हरिहरन। अपने फिरकों में सरताज हैं और आपस में जानी दुश्मन भी। दुश्मनी की इतनी बुज़दिल मिसाल करीम की आंखों ने इससे पहले कभी नहीं देखी थी। दुश्मनी किस तरह निकाली जाती है, जाकर अपने हरिहरन को दिखा देना। जाकर अपने हरिहरन से कहना, बहादुर दुश्मनों को ललकार कर मारते हैं। अगर गैरत न हो तो उस बेगैरत से कहना, अपनी पूरी ताकत के साथ आ जाए। करीम और उसका एक एक साथी अपनी छाती खोले उसका इंतजार करेगा।
सब चले साथ मिलके तूफानों को चीर जाए, जंजीरें हमको क्या बांधे, दीवारें क्या रोक पाए। आइए आप आए हैं क्या जलवे हम दोनों दिखलाए, मेरे दिल में तू तेरे दिल में मैं दोनों यूं मिलके रहेंगे, मेरे दिल में तू तेरे दिल में मैं दोनों यूं मिलके कहेंगे, तू है मेरा भाई तू है मेरा भाई तू है मेरा भाई। पुलिस की आंखों में मिट्टी झोंकने वाले गुंडो, आज तुम रंगे हाथों पकड़े गए ना, अब अगर गड़बड़ करने की कोशिश की तो गोली मार दी जाएगी। अरे नहीं नहीं कमिश्नर साहब, ये आप क्या कर रहे हैं, ये दोनों तो बहुत अच्छे दोस्त हैं, एक दूसरे को भाई मानते हैं ये लोग। यानी दुश्मन एक दूसरों के, दोस्ती का ढोंग रचाकर आज तक सिर्फ इन्होंने पुलिस की आंखों में धूल झोंकी है, इनका जुलूस सड़कों पर निकाल दो। नहीं नहीं कमिश्नर साहब, ये मैं कैसे कर सकता हूँ, जवानी का गरम खून थोड़ी देर में आंख खोलता है। आज अगर इंटेलिजेंस ने हमारी आंख न खोली होती तो यहाँ लाशों का ढेर लग चुका होता। क्यों भाइयों, क्या कमिश्नर साहब सच कह रहे हैं? अजी सरासर गलतफहमी के शिकार है ये, राम लखन जैसे दो भाई हैं बड़े भाई। वाल्मीकि की कहानी तो आप अच्छी तरह जानते हैं, एक बहुत बड़े डाकू से बदलकर उन्होंने रामायण लिख डाली,
आज इन दोनों ने मुझे बड़ा भाई कहा, इन्हें जाने दीजिए, मैंने अपने घर ले जाता हूं, देखते हैं कौन सा रुख अपनाते हैं। पुलिस के साथ कब तक आंख में चोली खेलते रहोगे? ये खेल खतरनाक है। ओ संभाल कर, खतरनाक खेल ही खेले हैं हमने, दूसरा और कोई खेल खेलना ही नहीं आता। न जाने ये किस जन्म का रिश्ता है, तुम दोनों को कुछ होते मैं देख नहीं सकता। तो आप अपना ट्रांसफर क्यों नहीं करवा लेते? ना ही अपनी आंखों से कुछ देखेंगे और ना ही दर्द होगा। तो तुम दोनों ये दुश्मनी नहीं भूलना चाहते? हरगिज नहीं, किसी कीमत पर नहीं। तुम दोनों अगर अपनी ही दुश्मनी में उलझे रहोगे तो भूखमरी के साथ कौन लड़ेगा? महंगाई, आतंकवाद, देशद्रोहियों के साथ कौन लड़ेगा? ये बात रिश्वत की शराब में डूबे हुए अपने महकमे से पूछिए, आए दिन बदलती हुई सरकारों से पूछिए, भ्रष्टाचार की पट्टियां आंखों पर बांधे हुए अपने दूसरे सरकारी महकमों से पूछिए। तुम जैसी गंदी मछलियों ने सारे तालाब को गंदा कर रखा है। माफ कीजिए सर, आप जैसी एक मछली पूरे तालाब को साफ नहीं कर सकती। हमें हमारे हाल पर छोड़ दीजिए, हाँ सबूत मिले तो बेशक गिरफ्तार कर लीजिए। सुना है करीम पांच वक्त का नमाजी है, इस वक्त की नमाज तो हमारे घर में पढ़ लो, इतनी बात तो हमारी मान सकते हो। मानना ही नहीं, इजाजत के लिए भी शुक्रिया। अरे करीम को वजू के लिए पानी नहीं ला कर दोगे? जब तक इसके बदल जाने का पूरा पूरा सबूत नहीं मिलता, लाश पर भी पानी नहीं डालूंगा इसकी। सुना करीम, बात जानी दुश्मनी से दोस्ती के सबूत पर आ गई, बोलो क्या कहना तुम्हें इसके बारे में? नमाज का वक्त है, कसम खुदा की पहल मेरी तरफ से नहीं होगी। चलो कोई तो रिश्ता कायम हुआ, रिश्तों के बगैर जिंदगी जिंदगी नहीं होती, क्योंकि एक बार जब रिश्ते खो जाते हैं तो वो ढूंढे से भी नहीं मिलते। चैन किसी का लूटे ना, साथी तेरा प्यार पूजा है, तेरे सिवा कौन मेरा दूजा है यार। ओ साथी हो मितवा हो, साथी तेरा प्यार पूजा है, तेरे सिवा कौन दूजा है यार। नहीं अमर, नहीं, ये तुम्हारे अंदर सुलगते हुए शोलों को बुझाएगी नहीं, बल्कि और भड़का देगी। शालू को मेरी जिंदगी से अलग करके आपने अमर को लोहे से फलाद बनाना चाहता ना, तो जलने दीजिए, तपने दीजिए उसे। आप ही ने कहा था ना कि सख्त से सख्त फलाद बनाने के लिए लोहे को सख्त से सख्त आग में जलाना पड़ता है, क्यों? हाँ, वो इस तरह हमसे बिछड़ जाएगी, ये तो तकदीर का दोष है अमर। मैंने तो सिर्फ चंद सालों के लिए तुम दोनों को अलग रखना चाहा था, ताकि उस अनाथ का प्यार तुम्हें पीछे की तरफ न खींच ले और तुम मुल्क के सबसे बड़े सिपाही बन सको। अनाथ जैसा तो मैं भी था अंकल, एक अनाथ को तो आपने आसमान का तारा बना दिया और दूसरे से इस तरह मुंह मोड़ा जैसे वो आसमान से टूटा हुआ तारा हो। तुम मुझ पर इल्जाम लगा रहे हो अमर, इस बे औलाद ने उसे औलाद की तरह पाला है, अच्छे से अच्छे कॉन्वेंट में उसे तालीम दिलाई, लेकिन बदकिस्मती ने उस संगे मरमर की गुड़िया पर एक तवाइफ की बुरी नजर डाल दी। तवाइफ
मुझे जाने दीजिए, मैं अमर के बिना नहीं जी सकती। कोठे पर सिर्फ आने के रास्ते होते हैं, जाने का कोई रास्ता नहीं होता चंपा भाई। बरसों ढूंढता रहा मैं, और जब मुझे असलियत का पता चला तो वो तवायफ एक बार फिर उसे लेकर न जाने कहां गायब हो गई। ये बात आपने आज तक मुझसे छुपा कर क्यों रखी? शालू, अमर वक्त से पहले और नसीब से। भगवान के लिए नसीब का नाम मत लीजिए अंकल। शालू मेरा नसीब है और एक दिन वो मुझे जरूर मिलेगी। आपकी रिहाई के लिए तो हमने उस उल्टा को भूखे मगरमच्छ के हवाले कर दिया, और आप हैं कि अपनी आंखों को अपने दामन में कैद कर रही हैं। इन्हें आजाद कर दीजिए ताकि आपकी आजादी का जश्न जी भर के देख सके। ये वही कंबख्त थी ना जिसने आपके फूल जैसे बचपन को रंडी के कोटे पर कैद कर दिया था। अरे हाँ याद आया, मरने वाली ने एक दिन आपके बचपन के प्यार का जिक्र किया था। चंपा बाई, उस खिलवाड़ को भूल जाइए। जब आपका साथ उस बदनसीब को रास नहीं आया तो भला जिंदगी उसका क्या साथ देगी? कमबख्त मर गया होगा। नहीं, भगवान के वास्ते ऐसे मत कहिए। वरना इतने बरसों में क्या आप उसे मिल नहीं जाती? और मान लेते हैं कि आप उसको मिल भी जाती तो क्या आप उसे पहचान लेती? साथी तेरा प्यार पूजा है, तेरे सिवा कौन मेरा दूजा है यार। ओ साथी हो, हम इतना हो, साथी तेरा प्यार चंपा बाई। वाह, यकीनन ये वही आवाज थी जिसको बचपन से सुनने के लिए आप तरस रही हैं। पर नतीजा देखा आपने, किस बुरी तरह से मजाक उड़ाया है आपकी किस्मत ने आपका। कितने पास आकर वो कितना दूर चला गया, जैसे तकदीर में ना बदा निवाला मुंह में आकर बाहर निकल गया हो। जिस तकदीर को आप मेरा मजाक उड़ाने का नाम दे रहे हैं, मैं उसके ऊपर से बार बार सदके जा रही हूं। जिस मौके पर आकर उसने मुझे आगाह किया है कि सब्र का दामन हाथ से न छूटे, तेरा सनम, तेरा खुदा यही इसी शहर में तेरे आसपास मौजूद है। सोने से भरी थाली को यूं ना ठुकराइए चंपा भाई, कहीं ऐसा ना हो कि
ना खुदा ही मिले ना मिसाल सनम। वाह, कैसे इश्क के जौहरी हैं आप, जो उस गौहर को अब तक ना परख सके। अरे उसकी एक झलक देखने के लिए मैं अपनी तमाम उम्र के वसल कुर्बान कर दूं। इसीलिए तो हम आपको 7 दिन की मोहलत दे रहे हैं, लेकिन इस अरसे में ना तो आप बाहर जा सकेंगे और ना ही किसी को ऊपर आने दिया जाएगा। दरवाजा बंद करके मेरे पहरेदार 24 घंटे बाहर बैठे रहेंगे। प्रिजवान, नहीं! दरवाजा, प्रिजवान, दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। सुना है वो गरीब नवाज है, बेसहारों का सहारा है, किसी भी मजबूर की पुकार आज तक उसके कानों से टकरा कर वापस नहीं लौटी। तो किसी भी तरह करके मेरी चिट्ठी उस तक पहुंचा दे, मुझे यकीन है वो जरूर आएगा, वो जरूर आएगा। ब्रजमान सेठ ने बोला है कि 7वें दिन का सूरज डूब चुका है और वो बड़ी बेसब्री से चंपाबाई का इंतजार कर रहा है। सैयद ने मेरे पर काट डाले, मुझे पिंजरे में बंद कर दिया, वरना इस नापाक जगह मैं तुम्हें कभी नहीं बुलाती। जिस जगह करीम लाला की बहन उसके हाथ पर राखी बांधेगी, कसम खुदा की वो जगह खुद ब खुद पाक हो जाएगी। भैया, जब हम भगवान से कुछ मांगते हैं तो उसकी आरती उतारते हैं, पूजा करते हैं। तुम मेरे लिए भगवान बनकर आई हो। खुदा के बंदे को खुदा का दर्जा ना दो बहन, मेरे हाथ पर राखी बांधो, इंशाल्लाह मेरे जीते जी तुम्हारी अस्मत पर कभी आंच नहीं आएगी। ए इंसानों के नाम पे कलंक, ये राखी देख रहे हो? बहन ने अपनी हिफाजत के लिए अपने भाई के हाथ पर बांधी है। हम तेरे गले में कुत्ते का पट्टा बांध देंगे ताकि बहनोई के घर पे साला दुम हिलाते हुए अपनी बहन के आगे पीछे घूम सके। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। खुदाए बंदा करीम, ये कैसा इम्तिहान ले रहा है मेरा? एक सच्चा मुसलमान तेरी नमाज कजा कैसे कर सकता है? पर सच्चे मुसलमान का दिया हुआ कॉल अब तेरे हवाले है। अब पछताए क्या हो जब चिड़िया चुग गई खेत। मुजरे के वो बोल याद है ना चंपा भाई, न खुदा ही मिला न विसाले सनम। ले जाओ इसे। भैया,
चलो बहन, आज के बाद तुम इस नर्क में नहीं रहोगी। रिजवान, आइए आइए देश बंधु जी, इस खुशी के मौके पर कोई आप जैसा दोस्त आ जाए तो खुशियां दोबाला हो जाती हैं। अरे भाई, आपका तो हर दिन होली और रात दिवाली जैसी होती है, लेकिन ये खुशी की बात जरा खुलकर बताइए कि शादी की बात अपनी समझ में नहीं आई। उस ब्रिजबान ने जिसने आज तक हार का मुंह नहीं देखा, कुछ साल पहले एक लड़की पर दिल हार बैठा। मैं नहीं मानता, किसी का सालों इंतजार आपकी आदत नहीं है। अरे उस वक्त कच्ची जवानी थी उसकी, हमसे इंतजार नहीं हुआ और हमने घूर घूर कर उसे जवान बना दिया। हाँ तो यूँ कहिए ना कि आज आप वो पकवान खाने जा रहे हैं जो ख्यालों ही ख्यालों में बरसों आपने पकाया है। जरा सोचो देश बंधु, जिस ब्रिजबान ने वक्त का कभी इंतजार नहीं किया, उसने वक्त कैसे गुजारा होगा। ये तमाम रंगीन जिस्म की चारों तरफ फैली रंगीनी सब फीकी है उसकी एक नजर के सामने, सब फीकी है। देखो वो लोग आ गए जिन्हें मैंने उसे लाने के लिए भेजा था। ब्रिजबान साहब, बंद करो ये नाच और चले जाओ यहां से। हमें अकेला छोड़ दो, अकेला छोड़ दो हमें इन लोगों के साथ जो अपने चेहरों पर नाकामयाबी की कहानी लिखवा कर लाए हैं, जो ये नहीं जानते कि ब्रिजबान के कानों को कोई भी बुरी खबर सुनने की आदत नहीं है, फिर भी ये बुरी खबर लेकर आए हैं। चंपा बाई की डोली अगर अपने कंधे पर नहीं ला सकते थे तो उसकी लाश उठाकर अपने कंधे पर क्यों नहीं लाए, बोलो जवाब। परिमलाला ने आपके गुस्से को ललकारा है सर। ये उसके नए आशिक का नाम है क्या? नहीं सरकार, कलाई पर राखी बांधे उसके भाई का नाम है। हम उसकी कलाई पर जंजीरें बांधकर चंपा बाई के सामने कुत्तों से खिंचवाएंगे। सुना है बम्बई के मुसलमानों की बहुत बड़ी टोली उसके साथ। हमें उस कट्टर हिंदू का नाम बताओ जिसके पीछे हिंदुओं की बहुत बड़ी टोली हो। अरे हरन, जिसने आज ही मेरा 10 करोड़ का माल चुरा लिया है। एक ने हमसे हमारी महबूबा छीनने की कोशिश की, दूसरे ने हमारे दोस्त से 10 करोड़ का माल छीन लिया। कसम भगवान की हम दोनों से उनकी जिंदगियां छीन लेंगे। आप करीम की हस्ती को मिटा देना चाहते हैं ना? वो हो जाएगा, मैं वादा करती हूँ। ये जो काम न कर सके वो मेरी बेटी करेगी, मेरी बेटी करेगी। नहीं सलमा की माँ, ये बहुत बड़ा अपराध होगा, ऐसा मत करो। तुमने हमारी तबीयत खुश कर दी। वो कमसिन करीम इस दो धारी तलवार का एक भी वार झेल नहीं पाएगा। वेलकम।
लाल कगरी वे मेरी लाल कगरी, लाल कगरी वे मेरी लाल कगरी, रंग जिसका है लाल जैसी गोरी के हो गाल, रंग जिसका है लाल जैसी गोरी के हो गाल, जब लचकी कमरी भी देवी संगता, दिल आशिकों को कर दे लाल कगरी, सारी दुनिया ये बोले के कमाल है कमाल तेरी लाल कगरी, लाल कगरी नी तेरी लाल कगरी, लाल कगरी नी तेरी लाल कगरी, शर्मा के बदले में छुप जा, मोती कगरी के नीले पीले जब मुस्काए चांद तारी, शर्मा के बदले में छुप जा, तेरी कगरी के मोतियों में ऐसी है चमक, जब मारे ले शिकार लोग गिर गिर जाए, कभी किसी का भी करना ख्याल कगरी नी तेरी लाल कगरी, लाल कगरी भी मेरी लाल कगरी, लाल कगरी भी मेरी लाल कगरी, दिल से ये खेलती है खेल, कोई जज या वकील न कराए इसे जेल, रोज आशिकों के दिल से ये खेलती है खेल, कोई जज या वकील न कराए इसे जेल, कुछ भी कही ये बात सच है मगर, सच आशिकों को पल में कराती है ये मैं, दिल वालों को तो कर दे निहाल कगरी वे मेरी लाल कगरी, लाल कगरी नी तेरी लाल कगरी, लाल कगरी नी तेरी लाल कगरी, सारी दुनिया ये बोल के कमाल है कमाल तेरी लाल कगरी, लाल कगरी नी तेरी लाल कगरी, लाल कगरी नी तेरी लाल कगरी, लाल कगरी भी मेरी लाल कगरी, लाल कगरी भी मेरी लाल कगरी, है। अगर मैं सरकारी गवाह नहीं बनी तो एक दिन इसके साथ साथ मुझे भी फांसी के फंदे पे लटकना पड़ेगा। लाश? हाँ। लड़के सच कह रही है, डिक्की में लाश है, पकड़ लो इसे, तूने भाग लेना पाए। क्या हुआ करीम, तुम अपने होश आवास में नजर नहीं आ रहे हो। मेरी ये हालत आपने बनाई है, आपने। मैंने? उस जलील पर हाथ न उठाने का वादा लिया था आपने, आज मैं वो वादा वापस लेने आया हूँ। क्यों, क्या हुआ, क्या किया हरि ने? एक लड़की का सहारा लेकर उसने मौत के इल्जाम में फंसा दिया है मुझे। हरिहरन की जिंदगी में एक लड़की जरूर है, लेकिन वो तो उससे शादी करने जा रहा है, कम से कम उससे वो इतनी गिरवी हरकत नहीं करवा सकता। अब आप उसकी तड़पती हुई लाश से सवाल पूछेगा? रुक जाओ करीम, देखो मैं असलियत का पता लगाता हूँ। करीम पकड़ लो इनको। नहीं,
ठहरो, छोड़ दो उसको। देखा नहीं उसने हमें पुकारा है? अंकल, मैं बहुत छोटी हूँ, माँ बाप से जिद करके चली आई थी। मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, मुझे छोड़ दीजिए, वरना मैं क्या मुंह दिखाऊंगी? हमारी मोहर दिखाना। मोहर? मोहर, मोहर। मेरा जो भी माल भेजा जाता है ना, उस पर ये मोहर लगाई जाती है, ऐसे और ऐसे। अरे धीरे से छुआई है और तुम इतनी जोर से चिल्लाती हो, अभी तो तुम्हारे सारे बदन पर मोहर लगानी है, ऐसे। अंकल प्लीज, मुझे आपसे डर लगता है। नहीं, आंखें बंद कर लो। फिर मुझे करीब आकर मोहर पे मोहर लगाने दो। इस साल मेरी 15वीं सालगिरह पर मेरी मम्मी ने कान में कहा था। क्या कहा था? रो नहीं, बोलो बोलो, क्या कहा था बोलो। मम्मी ने कहा था। हाँ बोलो। कहा था। क्या कहा था? कि अगर कोई आदमी तुम्हें देखकर बहुत मीठी मीठी बातें करे तो। हाँ तो? हाँ तो क्या करे? तो तो हाँ बोलो बोलो, अपनी दुम दबा के भाग जाना। अरे भाग जाना क्या, और अगर पकड़ लिया तो? तो दे धना धन। हेलो, चल जल्दी। See?
तेरा अंगूरी अंग तेरा गुंचा गुलाब का तू सावर शराब का तू गुंचा गुलाब का तू सावर शराब का तू किस्मत की बात है तू रब की सौगात है तू हर हसीना करे तो करे शादी हर हसीना करे तो करे शादी बस एक तुम कुमारी रहना बस एक तुम कुमारी रहना तार जुड़े कमारी रहना सारी लड़की करे तो करे शादी हर हसीना करे तो करे शादी बस एक तुम कमारी रहना बस एक तुम कमारी रहना जमातों को लड़ाने में वक्त लगता है यहां दो सरताजों को लड़ा दिया और ये लड़ाई तब तक खत्म नहीं होगी जब तक एक दम ना तोड़ दे या फिर दोनों इस तरह डह जाएं कि तुम्हें अपने तुम्हारे मुल्क में यहां और मातम की आवाज सुनाई पड़े जमीन खा गई आसमां कैसे कैसे देखा आपने कभी ना खत्म होने वाली लड़ाई अमर के बच्चे ने किस चालाकी से रोक ली अब क्या होगा एक धमाका फिक्र मत कीजिए ऐसा जाल बिछाया है कि उन दोनों के साथ साथ अमर भी अपना दम तोड़ देगा अगर आज तुम दोनों में से किसी एक की लाश गिर गई होती तो जानते हो देश का क्या हाल होता एक एक शहर में कई शमशान बनाने पड़ते कई कब्रिस्तान बनाने पड़ते आप अच्छी तरह जानते हैं कि लड़ाई मैंने नहीं इसने शुरू की थी आप सांप को दूध पिलाएंगे तो वो क्या डसना छोड़ देगा सुन लिया आपने परवरदिगार की कसम करीम इसकी जुबान काटकर आपकी खातिर मैं इसे जिंदा छोड़ रहा हूँ ओए पहले अपनी जिंदगी की फिक्र कर पुलिस की हिरासत में पड़ी हुई लाश तेरे लिए फांसी का फंदा बस बस देखो तुम दोनों मेरे दो हाथ हो किसको कट जाने दूं
दाहिना कटेगा तो मेरा कटेगा, बायां कटेगा तो मेरा कटेगा। खून के प्यासे दो हाथ लेकर आप जाग तो सकते हैं, लेकिन जिस दिन सोए उस दिन एक कटा हुआ मिलेगा। तो मैं भी आज कसम खाता हूं करीम, जब तक शीशे में पड़ी दरार को मैं जोड़ न दूं तब तक एक पलक नहीं सोऊंगा। कानूनन तुम दोनों मुजरिम हो, लेकिन फिर भी आज तुम दोनों को छोड़ता हूं। जाओ, एक साथ जाओ और अपनी आंखों से देखो कि मैं सो रहा हूं या जाग रहा हूं। फरिश्ते के लिबास में खड़े हुए शैतान, अगर हम जाएंगे तो तुझे साथ लेकर जाएंगे। करीम, हरी, यही है हमारे दुश्मन, इनमें से एक भी बचने ना पाए, ये लोग। आप ठीक तो है ना बड़े भाई? मेरी फिक्र न करो करीम, सिपाही गोली ना खाए तो गोली देश को लग जाती है। करीम के जीते जी ऐसा कभी नहीं हो सकता। अब आपको जागते रहने की जरूरत नहीं, आप चैन से सो सकते हैं। देख हरी, देख, करीम ने एक बार फिर तेरी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया। हरी, आज से आपका एक हाथ जरूर बन गया बड़े भाई, वक्त आने पर कट तो सकता है लेकिन आपके दूसरे हाथ से कभी नहीं मिल सकता। क्या बकरा है डॉक्टर, निक्की वाली लाश कुछ घंटों में जिंदा हो जाएगी। अब सर, वो कंपाउंडर ने गलती से शीशी पर गलत लेबल लगा दिया, इसलिए गहरे जहर के बदले गहरी बेहोशी का इंजेक्शन लग गया उसको। अब तो गहरे जहर का इंजेक्शन लाए हो ना? हाँ सर, लाओ। ये देखिए, ये लीजिए। दोबारा कभी ऐसी गलती मत करना, वरना हर जन्म में बेमौत मारे जाओगे। नहीं, जाओ और जिंदा आदमी को ये जहर का इंजेक्शन देकर लाश बना दो। अच्छे, बहुत अच्छे। अरे लोटा राम, मैंने तुझे कहा है कि कोई भूत भूत नहीं होते। मुझे छोड़ दीजिए, मैं तो अपने आप को दिलासा दे रहा था। झूठ बोलता है तू। आप बोलते भी हैं, मुझे छोड़ दीजिए प्लीज, वरना मेरा हाथ पिल हो जाएगा, मैं इन्हीं लोगों के बीच में सुला दिया जाऊंगा। प्लीज, इतनी जल्दी तू नहीं मर सकता। अरे लोटा राम, खामखा तू डर गया। अरे तेरी मौत तो मगरमच्छ के बगैर हो ही नहीं सकती। कहाँ गई नंबर 30? वो रही नंबर 30 की लाश। अरे जल्दी से इंजेक्शन लगा और भाग लपक छपक के। मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, इस बार मुझे जाने दीजिए, वरना वो मुझे खा जाएगा। खाऊंगा तो तेरे को मैं। अरे मेरे को तू मेरे देवा ने बचाया, क्या देवा, वरना तुम लोग तो साला मेरे को मार ही दिया था। उधर क्या देखता है रे, इधर पिस्तौल। अरे मैं तेरे को धर ला होता ना तभी निकाल लिया था। अभी वो इंजेक्शन है ना, वो अपने निधा तो मैं आ गया साहेब। साहेब मैं आलो, साहब मैं सोच समझ के पुलिस स्टेशन नहीं गया साहब, मैं सीधा तुमसे कर ही आलो। ए, कौन हो तुम? नहीं, अरे साहब मैं तुमसा हनुमान, रावण चा विभीषण और त्रिपाठी साहब चा जासूस, ऑल इन वन। पत्रकार त्रिपाठी के लिए क्या जासूसी करते हो?
साहब मुझे मालूम है, मालूम मायते है कि गोगा का बेटा कौन है। गोगा का बेटा है? कौन है वो साहब? वो साहब अरे कौन है? कौन है वो? कौन है? बोलो। हाँ अमर, अमर तू फौरन यहां आ जाओ। करीम के सर से सारे इल्जाम हट गए हैं। और सुनो, गोगा के बेटे तक पहुंचने की एक हल्की सी किरण नजर आ रही है। कौन बदतमीज हो तुम? तुम्हें यह भी नहीं मालूम कि ब्रिजभान के घर के अंदर हाथ बांधे और सर झुकाए आ जाता है? ड्यूटी पर आए पुलिस अफसर को इसकी जरूरत नहीं पड़ती। मैं आपकी बाहर खड़ी वैन की तलाशी लेने आया हूं। तुम काफी छोटे पुलिस ऑफिसर लगते हो, वरना तुम्हें यह बात यकीनन मालूम होती कि इस घर में बड़े से बड़ा पुलिस ऑफिसर सिर्फ बख्शीश मांगने आता है। इस छोटे पुलिस अफसर को यह बात तो यकीनन मालूम है कि जितना बड़ा चोर वो इतनी बड़ी रिश्वत देने की कोशिश करता है। मैं चाहूं तो अभी इसी वक्त तुम्हें हथकड़ी पहना सकता हूं। अपनी जान की खैरियत चाहते हो तो चुपचाप यहां से चले जाओ, वरना इतने बड़े घर में तुम आ तो गए हो लेकिन यहां से बाहर जाने का रास्ता नहीं मिलेगा। मेरे शक को यकीन में न बदलो ब्रजबान, वरना इतनी बड़ी कोठरी में पहुंचा दूंगा कि तुझे तो खुद भी छोटा लगने लगेगा और तेरा ये बड़ा घर भी। लोहे के चने चबाओगे तो दांत टूट जाएंगे। मैं बचपन से ही लोहे के चने चबाता रहा हूं ब्रजबान। ये थप्पड़ तूने मुझे नहीं अपनी नौकरी के मुंह पर मारा है, अपने खानदान के एक एक आदमी की खुशियों पर मारा है, अपनी जिंदगी पर मारा है। 12 साल की उम्र से मैं अपने सर पर कफन बांधे घूम रहा हूं ब्रजबान। अब अगर एक लफ्ज भी बोले तो तुम्हारे हाथ में हथकड़ियां पहना दूंगा। चाबी। ऑफिसर, अपने सर पर तुमने कफन खुद बांधा है लेकिन तुम्हारी लाश पर कफन ब्रिजभान बांधेगा। जिस शक का सबूत मैं ढूंढ रहा हूं वो अगर मुझे मिल गया ब्रिजभान, तो तुम्हारी नंगी लाश बगैर किसी कफन के सड़कों पर निकाली जाएगी। कुछ नहीं मिला सर। हाँ जनरल। हाँ हाँ मैं ब्रिजभान बोल रहा हूं। बोलिए क्या बात है? बुरी खबर है ब्रिजभान, आपका हमारे साथ जो रिश्ता है उसकी किसी को खबर हो चुकी है। लेकिन बगैर सबूत के हमारा क्या बिगाड़ सकते हैं? सबूत उसे मिल चुका है। खैर हमने सबूत देने वाले को तो खत्म कर दिया लेकिन वो हिंदुस्तानी हमारे हाथ से बच निकला। उसका नाम पता या पहचान? मशहूर एडिटर त्रिपाठी। अगर उसने हमारा राज छापने की जिद की तो कम से कम उस बेचारे की एक तस्वीर अखबार में जरूर छपा देना। यमदूत का नाम सुना है एडिटर? आ? हमारी शक्ल देख लो, हम आ गए हैं। अरे 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 यमदूतों के दूतों, ऊपर करो। इतनी आसान मौत मत मारो इसको। ओ सबूत। सबूत। ओ जब हम तुम जैसे को मारते हैं तब उनके इकट्ठे किए हुए सबूतों को उनकी आंखों के सामने जला देते हैं ताकि उनके
दिल को तसल्ली हो जाए कि अगर हम देश के काम आ नहीं सके तो क्या हुआ आ? कम से कम हमारी मौत को तो देश याद रखेगा। मत चलाना, मत चलाना, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो कमीने, नहीं, जो कमीने, चुप, मत चला इसको, मत चला। कहते हैं सांप को अगर मारना हो तो उसका सर कुचल डालो, क्योंकि मारने वाले की तस्वीर उसकी आंखों में छप जाती है। रानी। यस सर। सारे फोटोग्राफ्स और फिंगरप्रिंट्स ले लिए? लिए जा रहे हैं सर। पूरा कमरा जिंदगी की मौत से आखिरी लड़ाई के निशानों से भरा पड़ा है सर। लड़ाई बेबसी के निशान है, ये मरने वाले की घुटन लिखी हुई है इसमें। और अब मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि इस कमरे से ना कोई सबूत ना कोई फिंगरप्रिंट मिल सकता है। चश्मदीद गवाह भी तो नहीं है सर। एडिटर साहब ने सारे स्टाफ को छुट्टी दे रखी थी और जिस वक्त कत्ल हुआ वो इस कमरे में अकेले काम कर रहे थे। तो फिर कत्ल की खबर पुलिस को किसने दी? अगर आप लोगों में से यहां कोई मौजूद नहीं था तो पुलिस को फोन किसने किया? आप में से एक ने कत्ल होते हुए देखा, आप में से एक ये जानता है कि कातिल कौन है? देखिए, कत्ल देखना जुर्म नहीं है, लेकिन जानते बूझते उसे कानून से छुपाना यकीनन जुर्म है। मगर सर आप यकीन क्यों नहीं मानते? उन्होंने हम सबको छुट्टी दे दी थी। हम ठीक कह रहे हैं सर, ऑफिस का एक एक आदमी अपने घर जा चुका था। इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल। इतना बड़ा जर्नलिस्ट वहां अकेले बैठा काम कर रहा है और उसने सारे स्टेनर्स को छुट्टी दे दी, किसी टाइपिस्ट को भी रोक कर नहीं रखा, यहां तक कि ऑफिस को बंद करने वाले चपरासी को भी छुट्टी दे दी। तुम इस दफ्तर के चपरासी हो ना? जी हां साहब, पर आप चाहे तो किसी से भी पूछ लीजिए। दफ्तर की एक चाबी एडिटर साहब के पास होती थी, उन्होंने यह कह के कि वो खुद दफ्तर बंद कर देंगे मुझे यहां से जाने के लिए मजबूर कर दिया। बहुत गरीब आदमी हूं साहब, मेरी बड़ी जिम्मेदारियां हैं, मेरे चाल चलन को एक एक आदमी जानता है। सूली पे चढ़ा दीजिएगा साहब, अगर कोई से गलत कह दे तो। बस बस बस, और सफाई देने की जरूरत नहीं है, कानून की नजरों में छोटा बड़ा कोई नहीं होता। और मैं तुम्हें यकीन के साथ कह सकता हूं कि जो पूछताछ तुम्हारे साथ होगी वही पूछताछ इस दफ्तर के बड़े से बड़े अफसर के साथ भी होगी। और हां, रही तुम्हारी जिम्मेदारी की बात, तो मैं उसका ख्याल रखूंगा। भगवान, जिम्मेदारियों का इतना बड़ा बोझ मेरे नंदू के कंधों पर मत डालो जिसे वो सह न सके। उसका एक भी सपना साकार नहीं हो पाया, एक भी अरमान पूरा नहीं हो पाया। अब वो छोटू को पढ़ाई के लिए विलायत भेजना चाहता है, मुन्नी की शादी बड़े धूमधाम से करना चाहता है। क्या उसके ये अरमान भी पूरे नहीं होने दोगे तुम? नंदू को अचानक कौन सा गम दे दिया है तुमने? नंदू मेरा श्रवण है, दशरथ पुत्र, अगर मैंने भी तुम्हें श्रवण के पिता की तरह श्राप दे दिया। नहीं माँ जी, नहीं। नंदू की बहन की डोली उसी तरह उठेगी जैसी नंदू चाहता है, उसका छोटा भाई पढ़ाई के लिए विलायत उसी तरह जाएगा जैसे नंदू ने सोचा है। दिखने में अजनबी, मन की गाथा भगवान की तरह जानने वाले कौन हो तुम? किस नाम से पुकारू तुझे? बचपन में नामकरण करने वाली मां की सूरत मैंने कभी नहीं देखी, बाप का नाम तक न पता चला। रिश्ते बनने से पहले टूटते चले गए, किसी ने आज तक मुझे बेटा, मां, ये
लफ्ज सुनने के लिए बचपन से आज तक तरसता रहा, पत्थर की चट्टानों से लिपटता रहा, लेकिन मां के सीने से नहीं लिपट सका। भगवान ने मुझे सब कुछ दिया, बस एक मां ही नहीं थी। बेटा मां जी, तो मां देखो भैया मेरे लिए क्या लाए हैं। हाँ, मुन्नी को सुनहरी मछलियों के साथ खेलने का बड़ा शौक है ना, और ये छोटू अपनी क्लास में हमेशा फर्स्ट आता है कि नहीं? अरे नंदू, ऐसा दोस्त जो भाई से भी बढ़कर हो उसका तूने जिक्र भी नहीं किया मुझसे। मैं समझती रही मेरी पूजा व्यर्थ जा रही है, पर भगवान हमारे दरवाजे पर खटखटाते रहे और तूने पहचाना तक नहीं। मुझे शर्मिंदा मत कीजिए माँ जी, नंदू अपने बाप की तरह खुददार है, लेकिन अब सब ठीक हो जाएगा। अगर आप इजाजत दें तो मैं अकेले में इससे कुछ जरूरी बातें करना चाहता हूँ। हाँ हाँ, लेकिन खाना खाए बगैर नहीं जाने दूंगी। अच्छा माँ, हम लोग सब एक साथ खाना खाएंगे, आओ आओ, आओ। डरो मत, मैं इस घर में एक पुलिस अफसर बनकर जरूर आया था, लेकिन अब इस घर का बेटा हूं। तो फिर हम पर तरस खाइए साहब, दुखों के सिवा मेरी मां ने और कुछ नहीं देखा, मेरे भाई बहन मेरे बगैर लुट जाएंगे। नहीं, मेरे होते ऐसा कभी हो नहीं सकता, लेकिन अगर तुमने उन लोगों को कानून के हवाले नहीं किया तो ना जाने कितनी कोख उजड़ जाएंगी, सुहाग मिट जाएंगे। वो बहुत खतरनाक लोग हैं साहब, हर वक्त तो आप हमारे साथ रह नहीं सकते, क्यों हम सबको मौत के मुंह में झोंकने की जिद कर रहे हैं आप? देखो नंदू, फर्ज मां बाप भाई बहन सबसे बड़ा होता है, मुझे अपने साथ जबरदस्ती करने पर मजबूर मत करो। वाह पहरूपी, वाह, वर्दी पहनकर आते तो इतना दुख नहीं होता, मां कहकर मां के अनमोल रतन को लूटने आए हो? भीख मांगने आया था मां से, भीख मांगने आया था, यह कहने आया था कि आज तेरे बड़े बेटे के फर्ज को तेरे छोटी बेटी की जरूरत है। मैं इसके हिफाजत की कसम खाता हूं मां, अगर कुछ होगा तो तेरे बड़े बेटे को होगा, तेरे झूठे बेटे का बाल बांका नहीं होगा, लेकिन इससे कह कि उन लोगों के नाम बता दे। मैं कसम खाता हूं मां, मैं तेरा नंदू तुझे वापस ला कर दूंगा, मैं तुझे वापस ला कर दूंगा, कसम खाता हूं, मैं तेरी कसम खाता हूं। अपना वादा याद रखना, तेरी गरीब मां अपना सब कुछ तुझे दे रही है। ये जानते हुए कि तुम हमें कत्ल के इल्जाम में गिरफ्तार करके पुलिस थाने ले जा रहे हो, हम बिना उज्जत के तुम्हारी जीप में बैठ गए, जानते हो क्यों? मशहूर कहावत सुन रखी होगी तुमने, मार के सामने भूत भी भाग जाते हैं, और फिर पुलिस की मार। तुम्हारे जैसे को मैंने कई बार अपनी पतलून गिली करते हुए देखा है देशपांडे। कौन से थाने ले जा रहे हो बांड्रा? अरे दूत, जरा इस बेचारे को बता दे कि बांड्रा पुलिस स्टेशन का इंचार्ज लोटाराम सवेरे सवेरे किस मंदिर के दर्शन करके काम पे जाता है, बता दे। अरे सरकार के पैरों की जूती को तो वो अपने भगवान की मूर्त मानता है। आ, रोज सवेरे घर आके पहले जूते पॉलिश करता है, तब थाने जाता है। इन जूतों को पॉलिश करता है, इन जूतों को पॉलिश महंगा है तो नाक रगड़ो सरकारी कुत्ते। थैंक यू, डर गया साला।
अब बोल कहाँ पॉलिश करनी है? सर सर आपके जूतों पर सरकार। ए खड़ा खड़ा मुंह क्या देख रहा है, चल जल्दी से डब्बा इधर ला, कल से यह पॉलिश करनी है नहीं करनी है, चलना जल्दी। चल भाग भाग भाग। सलाम साहब। सलाम साहब बोलता है, आपके चरण रखिए सरकार, आपके जूते बहुत मैले हो गए। आ गया दिमाग ठिकाने। अरे अरे सरकार, ये सब कैसे हो गया सरकार? मेरे भगवान जैसी मूर्त को किसने तोड़ डाला? कैसे हुआ सरकार? भगवान नहीं, शैतान है ये। तुमको बीच में बोलने के लिए किसने बोला? हवलदार जी। कॉन्स्टेबल, अरे जल्दी जाओ और गरम गरम हल्दी वाला दूध लेकर आओ। और सुनो जी सर, 5-6 ग्लास लेकर आना। सेठ जी के बॉडीगार्ड्स की बॉडी भी सेठ जी की तरह टूटी हुई है। सरकार ये सब कैसे हुआ? किसी छत से गिर गए थे या किसी बड़ी बस के नीचे आ गए थे? बुलडोजर देखा है इंस्पेक्टर? हाय बुलडोजर ना देखा हो तो इस आइडेंटिटी कार्ड को देख लो, इनके चेहरे का नक्शा कैसे बदल गया तुम्हारी समझ में आ जाएगा। अरे कौन सा आइडेंटिटी कार्ड? अमर सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस क्राइम ब्रांच। सर सर लोटे की बेंदी काट दी जाएगी ये नहीं सोचा था तुमने? ऊंट जब तक पहाड़ के नीचे नहीं आता अपने आप को सबसे ऊंचा समझता है। पहाड़ जैसे ब्रजमान के दोस्त को तुमने ऊंट की ऊंचाई देखकर हवालात में बंद कर दिया? हाय 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 नहीं सरकार नहीं। सांप के काटे का इलाज हो सकता है लेकिन आपके इस दास के काटे का इलाज नहीं हो सकता। मैंने झट से उससे पूछ लिया, पंचनामा तैयार किया है क्या? उस खून का कोई चश्मदीद गवाह है? तो उसने धम से ये कागज मेरे हाथ में थमा दिया सरकार। नंदू उस देशभक्त एडिटर का चपरासी, वफादार नौकर जो साय की तरह उसके साथ लगा रहता है, उसे दूर नहीं होता। और अब उस ऊंट जैसे पुलिस कमिश्नर को पहाड़ के नीचे लाकर खड़ा करना पड़ेगा ताकि उससे भी कोई ऊंची चीज होती है ये उस ऊंट को पता लग सके। बहुत अच्छे, बहुत ही अच्छे। अच्छा सरकार, अच्छा। अबे ओ बिन पेंदी के लोटे। नहीं, नहीं, नहीं। कल जब अपनी कुर्सी पर बैठो तो जरा पेंदी जमा कर बैठना। यस, क्या कहा? परी रोड पर एक बस को जला दिया गया है, 40 पैसेंजर जलती हुई बस में फंसे हुए हैं। हाँ ठीक है ठीक है, मैं 10 पुलिस कॉन्स्टेबल्स एक सब इंस्पेक्टर के साथ वहां भेजता हूँ। हाँ इंस्पेक्टर, 4 कॉन्स्टेबल्स मुझे भी चाहिए होंगे, नंदू को हिफाजत के साथ कोर्ट में ले जाना है। मैं पूछता हूँ इस पुलिस स्टेशन का इंचार्ज मैं हूँ या आप? जिसको मैं जहां चाहूं भेजूंगा, जिसको नहीं चाहूं नहीं भेजूंगा। हाँ। इंस्पेक्टर नंदू को अगर कुछ हो गया तो कानून के लिए गवाही देने के लिए शायद कभी कोई खड़ा नहीं होगा। पुलिस हमेशा झूठे गवाह खड़े करती रही है और खड़े करती रहेगी। नंदू झूठा नहीं चश्मदीद गवाह है। और वो तीनों जिनको आपने हवालात में बंद कर रखा, वो खूनी नहीं शहर के रईस और इज्जतदार इंसान है। कल तक तो गले से आवाज नहीं निकल रही थी, आज गरज गरज के बरस रहे हो। एक ही रात में ऐसा क्या हो गया इंस्पेक्टर? याद रखना, नंदू को अगर कुछ हो गया तो मैं तुम्हारे उस रईस इज्जतदार देश पांडे के वो पैर जला दूंगा जिसके पैरों पर पड़े हुए जूतों पे पॉलिश मारकर तुम ड्यूटी पे आते हो। और हां, जिनके खूंटे पर तुम उचक रहे हो उनसे कह देना कि मैं अकेला ही एक पूरी बटालियन के बराबर हूं। बस 2 मिनट नंदू, मैं उन तीनों को लेकर अभी आया। ओए कांस्टेबल, देखो जरा इधर ध्यान रखना। हाँ साहब। ये सरकार की अमानत तो है ही, मेरी भी अमानत है, समझे? जी साहब। ठीक है। खींच कर ले आऊंगा मैं तुम्हें। नंदू नंदू नंदू
नंदू आंखें खोल। मुन्नी माँ नंदू नंदू छोटू तुम सम समा नहीं 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 नंदू नंदू जाना नहीं जाना नहीं नंदू। मैं अपने खून की एक एक बूंद तेरे शरीर में भर दूंगा नंदू तू जाना नहीं। मैं एक एक बूंद भर दूंगा तेरे शरीर में नंदू 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 नंदू। अपना वादा याद रखना तेरी गरीब माँ अपना सब कुछ तुझे दे रही है। रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ। कहाँ ले जा रहे हो इसे? पोस्टमार्टम के लिए ले जा रहे हैं माँ जी। सुना तूने? देख रहा है? देख रहा है ये क्या है? मेरे नंदू की लाश है ये। तूने ही तो कहा था ना कि मेरे नंदू का कुछ हो ही नहीं सकता। हाँ ये क्या है? क्या है ये? देख ये क्या है? देख मुझे मेरा नंदू वापस ला दे। देखे मेरा नंदू मुझे वापस। माँ जी मैं खबरदार जो मुझे माँ कहकर पुकारा तू खूनी है मेरे बेटे का कातिल है। कभी ने मुझे छूकर तूने कसम खाई थी कि अगर कुछ होगा तो तेरे बड़े बेटे को होगा तेरे छोटे बेटे का बाल तक बाका नहीं होगा। कहाँ गई वो तेरी कसम? वर्दी और मिलने वाले मैं पूछती हूँ कहाँ गई वो तेरी कसम? उतार दे ये वर्दी फेंक दे ये बिल्ले तू इन्हें पहनने के लायक नहीं है। इन्हें पहनकर तूने मेरे बेटे को मरवा दिया इसके बजाय तेरी लाश क्यों नहीं गिर गई? एक गरीब माँ का सब कुछ लूटने वाले मुझे मेरे बेटे की लाश तो दिलवा दो। अगर पोस्टमार्टम बहुत जरूरी है तो मेरा एक एक अंग कटवा लो लेकिन मेरे सुंदर बेटे की लाश को ना बिगाड़ो ना बिगाड़ो। अरे 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 कैसी बिलक बिलक कर बेचारी रो रही है? हैं? उजाड़ दी ना बेचारी की कोख। हम तीनों कोर्ट में गए थे जज साहब ने बाइज्जत बरी कर दिया हमको। बोले कि सीआईडी ब्रांच के सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस को फौरन हाजिर किया जाए। जल्दी से कोर्ट में चले जाओ। कहीं ऐसा ना हो पागल कुत्ते की तरह सड़क पर गोली मार दी जाए। जज साहब हथियार भी है गवाह भी है कातिल भी है और सड़क पर पड़ी हुई देशपांडे की लाश भी। दो चार इसी तरह मार दिए गए तो फिर अपराध ना होगा माओं की कोख न उजड़ेगी वतन जेरबार ना होगा
दीजिए मुझे फांसी जज साहब, अभी और इसी वक्त। यह मत कहिएगा कि कानून आपको इसकी इजाजत नहीं देता। अगर यही आपका कानून है तो इसे बदलने की आप में हिम्मत है? बोलिए, जवाब दीजिए। यह देश पर कुर्बान होने वाला एक सिपाही बोल रहा है, जज साहब कोई अपराधी नहीं। इस सोते हुए देश को झिंझोड़ डालिए जज साहब, काट डालिए इसके वो अंग जो सड़ गए हैं। कितनी लाशें शमशान ले जाएंगे आप, कितने कब्रिस्तान नए बनाएंगे आप, कितने जज साहब? आज जिन्हें नाज है हिंद पर वो कहां हैं? बुलाइए उन्हें जज साहब, दिखाइए उन्हें, और अगर वो सो गए हो तो भगवान के लिए जगाइए उन्हें। ताजी राते हिंद दफा 302 के तहत अमर को फांसी की सजा सुनाई जाती है। रुक जाइए जज साहब, इसे फांसी का फैसला सुनाने से पहले एक बात बार बार गौर से सोच लीजिएगा आप। ये देश का सिपाही है, वो सिपाही जिसने बचपन से मेरी आंखों के सामने इस देश की धरती को अपने खून से सींचा है। अपनी जान पर खेलकर इसने ऐसे कारनामे किए जिसका कर्ज ये देश ताजिंदगी नहीं उतार सकता। ये अगर सोया है तो देश के लिए, जागा है तो देश के लिए, इसने एक एक सांस ली है तो इस देश की खातिर, और आज इसकी सांसों को, इसके दम को इस देश का कानून कब्ज कर लेना चाहता है। क्यों? सिर्फ इसलिए कि इसने 3 विद्रोहियों को खुलेआम सड़क पर अपने हाथों से मार डाला, और यही खून अगर इसने सरहद के उस पार किए होते तो आज हम सब ने मिलकर इसे परमवीर चक्र दिया होता। जज साहब, जब फैसला आप अकेले पर छोड़ दिया गया है तब आप इसे फांसी के फंदे पर लटका देना चाहते हैं? अगर मौत ही देनी है तो ऐसी मौत दीजिए इसे जो इसकी शान के काबिल हो, इस देश की आन के काबिल हो, और जिसकी मिसाल आने वाली नस्लें सदियों सदियों तक देती रहे। ये शोर जो आप सुन रहे हैं उन हजारों लोगों का है जिन्होंने इस अदालत को चारों तरफ से घेर लिया है। जज साहब, इस शहर की हर सड़क ने अपना मुंह आपके फैसले की तरफ मोड़ दिया है, और बाहर कानून की गोलियां उन्हें रोकने का प्रयास कर रही। मैं सिर्फ 10 तक की गिनती गिनूंगा, अगर उससे पहले आप लोग यहां से चले ना गए तो मुझे मजबूरन गोली चलाने का हुक्म देना पड़ेगा। हाँ हाँ, गिनिए 10 तक की गिनती मैजिस्ट्रेट साहब, और चलाइए गोलियां। है कोई जो सैलाब को रोक पाए, या फिर इस धर्म के मंदिर में खून की नदियां बहाएंगे। एक और जलियांवाला बाग बना दीजिए यहां। 2, वो अंग्रेज थे, भागकर चले जाने के लिए उनके पास उनका देश था, लेकिन आप भागकर कहां जाएंगे? 3, ये मत भूलिए आपके मां बाप भाई बहन सब हमारे साथ यहां खड़े हैं। 4, सिर्फ आपका ही नहीं मैजिस्ट्रेट साहब, इन गोली चलाने वाले सिपाहियों का भी कोई ना कोई जिगर का टुकड़ा यहां मौजूद है। 5, 7, 8, 9, रुक जा हरी, अगर ये गोलियां उन पर चल गई तो यह भी जलन वाला बाग बन जाएगा, देश के इतिहास का एक और सफा काला हो जाएगा। अरे अगर तुझे देश की परवाह होती तो तू और तेरे साथी हमारे साथ यहाँ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होते, वहां बुजदिलों की तरह नहीं। देशभक्ति का ठेका लेने वाले, तू अकेला देशभक्त नहीं, हम सबसे बड़ा देशभक्त नहीं। इस वक्त तेरी आंखों में होश का नहीं, जोश का नशा सवार है। ये सब करके तू बड़े भाई की बची कुछ जिंदगी को और भी दूभर कर देगा। प्यार का इजहार करना है तो बड़े भाई के जीते जी उनके अरमानों को पूरा कर दे। देशद्रोहियों को उनके फांसी पर चढ़ने से पहले उसी फांसी पर लटका दे। हमें देश के दुश्मन समझने वाले, देश के लिए, बड़े भाई के लिए करीम का कंधा तुम्हारे कंधे के साथ जुड़ने के लिए तैयार है। आगे बढ़ हरी, आगे बढ़। टूटते हुए देश की किस्मत तेरे एक कदम आगे बढ़ने से सवर जाएगी हरी। 45 साल का इतिहास 45 क्षण में बदल जाएगा। आगे बढ़। यह ऐसा बम होगा जो किसी भी देश के पास नहीं, जिसकी शक्ति हर परमाणु बम से अधिक होगी। दुश्मन को भागने की जगह नहीं मिलेगी हरी, आंखें पथरा जाएंगी उसकी। तो एक बार दोस्ती का हाथ आगे बढ़ाकर तो देख, देख तो हरी। आगे बढ़, बढ़ आगे हरी, आगे बढ़। उठाओ जवान आने वतन,
बांधे हुए सर से कफन, उठो गगन की ओर से, गंगो चमन की ओर से, पंजाब के दिल से उठो, सतलुज के साहिल से उठो, आवाज तो हम एक है, हम एक है, हम एक है, जिसकी जरूरत खत्म हो जाए उसकी तरफ देखने की बजाय हम अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। जाओ इस रात के अंधेरे में सलमा की खूबसूरती को हमेशा के लिए मिटा दो, जाओ। हेलो हेलो सलमा बेटी, भाग जा भाग, पिछवान के लोग तुझे मारने के लिए यहाँ से निकल चुके हैं, भाग बेटी भाग। मैं कहाँ जाऊँ, तुम्ही ने तो कहा था कि वो तुम्हारी और अबू की जान बख्श देगा। नहीं बख्शेगा, वो हम में से किसी को भी नहीं बख्शेगा। मैंने सांप को दूध पिलाकर ये उम्मीद की थी कि शायद वो हमें टसने से बाहर आ जाए। जहरीला सांप डसने से बाज नहीं आता। अभी हेलो अभी अभी क्या हुआ, अभी अभी तो अचानक ही हेलो, ये तेरी माँ की मौत की चीखी बेटी। अलविदा बेटी, अलविदा अम्मी, अम्मी अरे वो लोग तो ये तो वही लड़की है जिसने मुझे खून के इल्जाम में फंसाने की कोशिश की थी। मैं से क्या कर रहे हो करीम, घर आया मेहमान होता है और फिर इस बेचारी को होश भी नहीं है। देखो इसे बहुत चोट आई है, तुम इसे संभालो, मैं डॉक्टर को ले आता हूं। संभालो नर्स, आओ मेरे साथ। सुनिए, चोट से ज्यादा डर बैठ गया है इनके दिल में। ऐसी हालत बहुत ही खराब होती है, कभी कभी मरीज होश में वापिस ही नहीं आता। मैं रुक जाता हूं, तुम शायद अपने गुस्से पर काबू ना पा सको। नहीं हरी नहीं, ये मेरी हस्ती पर एक दाग बनकर रह जाएगा। तुम जाओ, अल्लाह अक्सर मेरा इम्तिहान लेता रहता है। ओके। या अल्लाह, ये कौन सी जगह है? मैं यहां कैसे आ गई? पहचाना, ये वही करीम है जिसको तूने कत्ल के इल्जाम में फंसा दिया था। ये नमाज पढ़ रहा है, अगर अपनी जान की खैर चाहती है तो भाग जा सलमा, भाग जा, यही वक्त है, भाग जा सलमा, भाग। होश के आया, मेरे होश उड़ गए। सच करीम, अल्लाह ने अगर खुद मुझे तुम्हारे पास न भेजा होता तो शायद ही कभी नामुमकिन होता। ब्रिजबान नाम के एक बहुत खतरनाक आदमी ने तुम्हें मेरे जरिए मौत के इल्जाम में फंसवाना चाहा। उसके असली दुश्मन तुम हो। मेरे पास वापस जाने के लिए अब कोई जगह नहीं है। करीम, कलाम पाक को अपने सीने से लगाए, तुम्हारे इंतजार में।
तुम्हारे दर पर बैठी सलमा। क्या हो रहा हा? कानून को हाथ में लेने की कोशिश मत करना वरना मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। हाँ, ये गोली अपनी खुदकुशी के लिए संभाल कर रखो इंस्पेक्टर लोटा। अपने काले धंधों से इकट्ठा किया हुआ काला धन, गांव के मकान और जमीनें, सबके कागजात और सबूत हम साथ में ले आए हैं। हम कोई और भी है क्या है? लोटा, ये रही उनकी फाइल, पढ़ लो, जेरोक्स कॉपी है। ओरिजिनल हमारे पास सात तालों में बंद है। पुलिस हेडक्वार्टर्स, सीबीआई, हमने सबको एक एक कॉपीज भेज दी हैं। हाँ? बचने का सिर्फ एक ही रास्ता है, हमारे साथ भाग चलो। हाँ? कहा? डिस्को। हाँ? ये हमारे टॉर्चर चेंबर का नाम है। हाँ? डिस्को। हाँ? ऐसा नाचोगे कि कान पड़ी आवाज सुनाई नहीं देगी। हाँ? डिस्को। ये देखो, ये सच बुलवाने की मशीन है। जब कोई सच नहीं बोलता, हम उसे इसके ऊपर बिठा देते हैं और फिर वो फटाफट सच बोलने लगता है। अरे भाई करीम, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो, अरे छोड़ दो भगवान के लिए, मुझे छोड़ दो, अरे छोड़ दो, मैं कहता हूँ छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो, अरे भगवान के लिए मुझे इसके ऊपर से उठा लो, ये कपक्त मेरा गोश्त नोच रहे हैं।
फिकर मत कर लोटा राम, हम तेरी मलम पट्टी भी करेंगे, तेरे हर एक छेद में नमक और मिर्च की बुकी भरेंगे। नमक और मिर्च की बुकी? अरे ब्रिजमन नाम है उसका, वो जब भी नोटों की गड्डी हलाता है ना, मैं अपनी दुम हिलाने लगता हूँ। शीशा, शीशे में मुझे देखने दो, लगता है मेरे पीछे से बॉस खून चू रहा है। अरे खून है, खून है, खून है। अब जो पूछेंगे वो सच सच बताना, वरना हमारी दूसरी मशीन उससे ज्यादा खतरनाक है। माफ कर दो मेरे बाप, माफ कर दो मेरे भैया, माफ कर दो। ना ही पूछो, ना ही मुझे झूठ बोलना पड़े और ना ही दूसरी मशीन पर चढ़ना पड़े। अच्छा, अभी भी झूठ बोलने की गुंजाइश है? अरे ले जाओ इसे पर्दे के पीछे। पर्दे के पीछे? अबे सीधी तरह चलता वरना निकालू मिर्ची की बुक्की। चलता चलता चल मेरे भाई चल। आइए लोटाराम जी, आइए आइए। अब जरा अपनी पतलून उतारिए। क्यों, किस लिए? डर गए? ऐसी कोई बात नहीं, बस ये एक मैकेनिकल चूहा है, इसे अपने पतलून के अंदर वहां फिट कर लीजिए। जब आप हमारी बात नहीं मानेंगे तो हम रिमोट कंट्रोल दबाएंगे और ये चूहा आपके पतलून के अंदर हलचल मचा देगा और एक टुकड़ा आपके पतलून के अंदर से कटकर ऐसे गिर जाएगा जैसे कि ये सेव। अब आप खुद लगाएंगे या मैं लगा दूं? मैं खुद खुद ही लगा लूंगा मेरे भाई। Such a sweet boy. Come on, लोटाराम जी, come on, आइए, शर्माइए नहीं, आइए, संभल के। लोटाराम, ये रिमोट कंट्रोल है, जब भी हम इसे दबाएंगे तुम डिस्को डांस करोगे। I beg your pardon. I never promised you a rose garden. Thank you. क्या वो देश को बेचता है? हाँ, बेचता है। हिंदू मुसलमान में बलवा करवाने वाला वही है? हाँ वही है। अब हमें उसका नेक्स्ट प्रोग्राम जल्दी बता दो, बाकी नेक्स्ट सेशन में। एक ट्रेन को उड़ाने की कोशिश कर रहा है, बारूद वालों को बुलवाया है, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं जानता। हाँ, अगर मुझे जिंदा रखोगे तो मैं उसका हर रास्ता तुम्हें बताता रहूंगा। काम हो गया? जी हाँ। हम दुई जनों का कमाल देख रहे हो साहब, ऐसन तार मतार फसाई, ऐसन तार मतार फसाई कि रेलगाड़ी को पुल पर आवे की देर है कि धरती पे चला चला चुक चुक की धरती पे चला चला सीधा आकाश में उड़न लगे। फुर फुर समझ गई, समझ गई ना साहब? लेकिन एक बात बोलूं, ये पुल मा तो हम बारूद भर के रखे, आप कहे तो बिना बारूद के उड़ा के दिखाए बे आपको। बगैर बारूद के? जी हाँ। एक झूठ बोलने के लिए झूठा 100 झूठ बोलता है, आपकी तरह। अब तो हम झूठ की हद तक पहुंचे बगैर दम नहीं लेंगे भैया, अब के तो बगैर बारूद के ही नमूना दिखाना पड़ेगा। लल्ला ए भाई धरती। हाँ भाई धमक, दिखाई दे इनका धरती धमक। हे धरती प्रकाश, शकई पर चक धूम। साहब देखो, काम की मनाई पर गुस्सा नहीं करते हैं। हाँ साहब, हम दोनों बड़े काम की मनाई हैं। गुड।
जो कभी हमारी नाक का बाल होता था उसे इस तरह बेदर्दी से जमीन पर फेंकने की इजाजत तुमको किसने दी? बहुत ही अच्छे हजूर, ढांकी इन बदतमीजों को। मैं लोटा राम आपका चरण दास, मेरी जान बख्श दीजिए हजूर, मैं आपके पांव पड़ता हूँ। ये पैर नहीं है लोटा राम, मैं इस लकड़ी का एक टुकड़ा है। जाको प्रभु दारुण दुख दे ही, ताकि मति पहले हर ले ही। नहीं मलिक, नहीं, आप मुझे इस मगरमच्छ को नहीं खिलवा सकते। ये मगरमच्छ तो आपने गद्दारों को खिलवा दिया। इसे रोकिए मालिक और इसे समझाइए। बहुत अच्छे ना लोटाराम जी। मौत का नजारा हर इंसान सिर्फ एक दफा देखता है, और आज मैं तेरी ख्वाहिश पूरी कर देता हूं। मैं अपनी तलवार की नोक पर गोश्त का टुकड़ा लगाकर अपने मगरमच्छ के हवाले कर देता हूं। क्या हालत बना रखी है? करीम और हरी को बेइज्जत करके माँ ने घर से सिर्फ इसलिए निकाला क्योंकि मैंने उन्हें भेजा था। आखिर ये सत्याग्रह क्यों? बेटे की चिता पर सिकी रोटी माँ कैसे खा ले, और कैसे खा लेने दे हमें, मगर पेट की धधकती ज्वाला अब जीने नहीं देती। तेरा बड़ा भाई अभी जिंदा है मुन्नी, नंदू का हर सपना पूरा किए बगैर वो फांसी पर नहीं चढ़ेगा। आपकी बातों पर क्यों विश्वास हो रहा है मुझे? ये गोद किसी अपने की क्यों लगती है? वो कौन सी आस थी जो मुझे आप तक खींच कर लाई? क्यों लाए आप लोग इसे यहां? मैं इसकी सूरत तक देखना नहीं चाहती। इसने इस घर का चिराग बुझा दिया, मां कहकर मां की कोख को उजाड़ दिया, और अब मां जी कई दफा आपको इनसे मिलाने के लिए जेल में बुलाने की कोशिश की गई, पर आपने हर दफा आने से इनकार कर दिया। हर बार आप मेरा जवाब सुन चुके हैं, मैं इसे कुछ नहीं लेना चाहती। इसे कहिए अगर ये मुझे कुछ देना चाहता है तो मेरा नंदू मुझे लौटा दे, मेरा बेटा मुझे लौटा दे। आपको मुन्नी और छोटू की कसम माजी, अब उन्हें भी खा जाना चाहता है क्या? नहीं माजी, ये मेरे लॉकर की चाबी है, इसमें मेरी जिंदगी भर की कमाई है। ये सोने का लॉकेट शायद मां बाप की दी हुई निशानी है। बताने वाले ने तो बस इतना बताया कि मैं 2 साल का इसे अपने गले से लटकाए उस मां को पुकार रहा था जिसने मुझे अपने दूध के काबिल न समझ कर सड़क पर भटकने और मर जाने के लिए छोड़ दिया। नहीं नहीं नहीं, ये झूठ है। तेरी याद की तड़प में तेरी मां की दूध की धारा परसों बहती रही, और वो मां मैं हूं।
अबागर माँ हूँ। माँ जी। मैं ही हूँ, मैं ही हूँ, मैं ही हूँ, मैं ही हूँ। माँ जी। तेरी दूसरी सालगिरह पर कोई जालिम तुझे मुझसे चीन के ले गया था। तेरी माँ पागलों की तरह दर दर भटकती रही। तेरी उम्र के बच्चों को दूध पिला पिला कर भगवान से कहती रही, मेरे मुन्ने को वापस ला दो, ये उसका हिस्सा है, इसके लिए वो तड़पता होगा। लेकिन भगवान ने मेरी एक न सुनी। उधर तू तड़पता रहा, इधर मैं तड़पती रही। माँ, वक्त हो गया है माँ जी, अब हमें जाने दीजिए। नहीं इंस्पेक्टर, कुछ देर रुक जाओ। बरसों से लगी हुई इस दिल की आग कुछ तो बुझ जाने दो। मेरे अनमोल रतन की सूरत इन नजरों में बस तो जाने दो। नहीं मां, नहीं। ममता के बोझ तले दबकर कमजोर होना तुम्हें शोभा नहीं देता। मैं जा रहा हूं मां, लेकिन देख ये आंखों से आंसू न टपके। ज्वालामुखी फटा करते हैं मां, बाहर नहीं करते। सर, अमर ने कहा है उसका ये सारा सामान आपको दे दिया जाए। बस, और कुछ नहीं कहा उसने? एक अजीब मांग कर रहा था वो, हम उसे पूरा ना कर पाए। क्या कह रहा था वो? इस गुड़िया को अपने साथ फांसी के फंदे तक ले जाना चाहता था। भगवान के लिए उसकी ये मांग पूरी कर दीजिए, वरना भगवान के सामने मेरा गिरबान अमर के हाथों में होगा और मैं उसका हिसाब किसी कीमत नहीं चुका पाऊंगा। जेलर साहब, किसी कीमत नहीं चुका पाऊंगा। मुझे डर लग रहा है अमर, इतनी रात मुझे अकेला छोड़कर कहां चले गए? जब भी डर लगे शालू तो मेरी आवाज सुन लिया करना। गुड़िया। जेले साहब, ये गुड़िया यहाँ कैसे आई? एक मिनट, इस गुड़िया से तुम्हारा क्या ताल्लुक है? अंकल, सपने हकीकत नहीं होते बेटे, सपनों को हकीकत में बदलने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। अगर अमर तुम्हारे पास रहेगा ना तो तुम्हारा प्यार उसे अपनी तरफ खींचे रखेगा, न वो अपने काबिल बन सकेगा न वो तुम्हारे काबिल बन सकेगा। तुमने अमर के नाम की कसम खाई है, कसम खाने का मतलब जानती हो ना तुम? आप बोली, मुझे क्या करना होगा? शाबाश, देखो अब मैं तुमसे जो कहूंगा वो सारी बातें तुम अपनी आवाज में इस गुड़िया में रिकॉर्ड कर दो। अच्छा अंकल, मैं शालू हूं अंकल। शालू? हाँ अंकल, अमर के शालू, जिसको आप अमर के सीने से छीन कर अलग कर गए थे। कहाँ है वो अमर? कहाँ है अंकल? कि ये गुड़िया यहाँ कैसे आई? देख शालू बेटे, तू वाकई अमर का नसीब है बेटे, वाकई उसका नसीब है। अमर कहता था
मेरे नसीब को मुझसे कोई अलग नहीं कर सकता। मेरी शालो मुझको मिलेगी एक दिन, मेरी शालो मुझको मिलेगी एक दिन। लेकिन बेटी, तूने आने में बड़ी देर कर दी। तेरे अमर को कुछ दिनों में फांसी फांसी होने वाली है। ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। अंकल, अंकल, मुझे मुझे एक बार उनसे मिला दीजिए। ये आंखें परसों से उनकी एक झलक देखने के लिए तरस रही हैं। अंकल, आपको मुझे बचपन में दिए हुए वादों का वास्ता, मुझ बदनसीब को अपनी बेटी कहने का वास्ता, उस नसीब का वास्ता जिसे अमर मेरा नाम लेकर पुकारता रहा। अंकल, अंकल एक बार मिलवा दीजिए। अंकल, अंकल, अंकल एक बार मिलवा दीजिए। येलर साहब, येलर साहब, प्लीज। ओके, थैंक यू।
इतना साथी तेरा प्यार पूजा है, तेरे सिवा कौन मेरा दूजा है यार, मितवा हो साथी तेरा प्यार के हुक्म के मुताबिक आपकी पूरी फौज मैं चार्टर प्लेन करके ले आया हूं। बड़े हथियार समुंदर के रास्ते से पहुंचते ही होंगे, लेकिन ऐसी भी क्या जल्दी है ब्रिजवान साहब? तहस नहस कर देने के लिए एक तरफ पुलिस और इंटेलिजेंस को उड़ाना है, दूसरी तरफ पूरे शहर में हाहाकार मचानी है। करीम हरिहरन और अरामर एक साथ मिल चुके हैं, आप सोच सकते हैं कि लड़ाई कितनी भयानक होगी। फिर देर किस बात की है? देर है पुराने हिसाब किताब चुकता करने के लिए, देर है उस अमर के बच्चे को फांसी के फंदे तक लटका देने के लिए, देर है इश्क में खाए हुए जख्मों को सीने के लिए, और देर है उन दो नामुराद हिंदुओं और मुसलमानों की अर्थी और जनाजा एक साथ उठा देने के लिए। आपकी बात आप ही जाने, हमें तो इस देश के टुकड़े चाहिए, बस आप देते जाइए, हम दोनों हाथों से बटोरते जाएंगे। बस एक एक रात की मोहलत और दे दीजिए, फिर जितने टुकड़े चाहिए होंगे बटोरते जाइए, बटोरते जाइए। रोक लो भैया, किसी तरह इस फांसी को रोक लो, मां कहीं से शहर लेकर आई है, छोटू भी उनके साथ आत्महत्या करने को तैयार हो गया है, मुझे किसके सहारे छोड़कर जा रहे हो? जब लोग तुम्हारी बहन के बदन को जबरदस्ती नोचेंगे तो क्या तुम्हारी आत्मा को शांति मिलेगी? मेरी बहन, मेरी बिटिया, मुझे इतना मजबूर मत करके मैं सारी दुनिया को आग लगा दूं। तो मुझे आग लगा दो ना, अपने हाथों से मेरा गला घोट दो, इससे तो तुम्हारे पास को चार चांद लग जाएंगे ना। घोटते क्यों नहीं मेरा गला, उठाते क्यों नहीं अपनी बहन की डोली, इससे तो तुम्हारे पास को। मुन्नी, 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 जालर, कमिश्नर साहब को जल्दी बुलाओ, वरना तुम्हारी इस जेल को ताश के पत्तों की तरह गिरा दूंगा मैं। बुलाओ रे। ये लो, पढ़ लो इसे, तुम्हारा ब्लैक वारंट, कल सुबह तुम्हें फांसी लगा दी जाएगी। मैंने तुमसे कहा था शफी अंकल को बुलाओ, मैं उनसे मिलना चाहता हूं, उसके जवाब में ये ब्लैक वारंट लाओ। ले लो इसे। तेरी ये मजाल कि तू ब्लैक वारंट मेरे मुंह पे मारे, मारो साले को, इतना मारो कि हड्डी पसली एक हो जाए। मारो, 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 और मारो। ये हाथ लोहे के बने हैं जेलर, इन पर लाठियों का कोई असर नहीं होने वाला। मेरे लिए तुम्हारा ये जेल ताश का घर है, और ये लोहे की सलाखें अमर के लिए मोम की सलाखें। ये देख, रुक जाओ, अमर रुक जाओ। देख लिया आपने, क्या करने पर मजबूर कर दिया इन लोगों ने मुझे। मैं इन लोगों से दुहाई मांगता रहा कि मुझे आपसे मिलना है, लेकिन इन्होंने मेरी एक न सुनी। मैं जीना चाहता हूं अंकल, किसी भी कीमत पर जीना चाहता हूं। शालू की जिला ने मुझे कितना तड़पाया आप अच्छी तरह जानते हैं। जब आपने मुझे मां बाप के किस्से सुनाए थे, तब आप ही ने मुझसे कहा था कि देख, तेरी आंखों से एक भी आंसू न टपके, तुझे देश का बड़ा सिपाही बनना है। मैं नहीं रोया अंकल, आज तक नहीं रोया, लेकिन अब ये आंसू मुझसे नहीं रुक रहे अंकल। बरसों बाद मुझे शालू मिली है, बरसों बाद मुझे अपनी मां मिली है। हां अंकल, शांति देवी सरकारी गवाह नंदू की मां मेरी असली मां है, मेरी बिछड़ी हुई मां। उसने अपने जीने के सहारे को मुझे सौंपा, देश को सौंपा, लेकिन हम उसे बचा ना सके। क्या शांति देवी के प्रति देश का कोई फर्ज नहीं बनता? क्या छोटे बेटे की कुर्बानी देकर बड़े बेटे को फांसी पर चढ़ा देना उसका मुआवजा है? क्या कहेंगे आप शांति देवी से? क्या जवाब देगा इंसाफ शांति देवी को?
अंकल ये फांसी रुकवा लीजिए वरना देश अपनी किस्मत पर रो पड़ेगा, उसकी मिट्टी बंजर हो जाएगी, उस पर सपूत पैदा होने बंद हो जाएंगे। अंकल रुक जाइए अंकल, हट जा शालू, ये मुझसे मेरी परवरिश करने का कर्ज ले रहे हैं, लीजिए। अमर 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 अपना कर्ज वसूलने वाले, अरे ठोकर चाटने वाले, पहले मेरा कर्ज तो चुका दे कमीने, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। ब्रजपाल तुम? हाँ मैं, इसका खानदानी दुश्मन गोगा का वो बेटा जिसे हराम ज्यादा भूखे बेड़ियों की तरह ढूंढता रहा, देख ली मेरी ताकत तो सर पटक पटक कर भी मुझ तक न पहुंच सका, और मैं तुझे मौत के जबड़े में जकड़ देने के लिए जेल में घुसाया, और मरते मरते क्या बात बताई है तूने कि शांति देवी तेरी माँ है, माँ बदला लेने का असली वजह तो आप आएगा मेरे बाप के कातिल, तेरी माँ शांति देवी के साथ, तेरे खानदान के नामलेवा छोटू के साथ, और मुन्नी लड़की के साथ मैं कैसा वैश्याना खेल खेलता हूँ ये चंपा बाई अच्छी तरह जानती है। मैं जा रहा हूँ, आज रात ही सब कुछ पूरा कर दूंगा, मुझे मेरा वादा अच्छी तरह याद है, कल सुबह तेरी लाश पर कफन बांधने जरूर आऊंगा, चल चंपा बाई चल। आइए आइए शांति देवी, आइए आइए, अभी तो सिर्फ बारात आई है, डोली विदा करने का वक्त थोड़ा ही हो गया जो आप बेहोश हो गई, जरा होश में आइए शांति देवी, और गौर से देखिए दूल्हे को, जब जमीन पर नहीं मिला तो आसमान से लेकर आया हूँ, फ्रॉम द स्पेस शांति देवी, फ्रॉम द स्पेस। अरे बदला ही लेना था तो हम पर बुलडोजर चलाया होता, ये भयानक दानव और मेरी गुड़ियों से खेलने वाली मासूम बच्ची, गुड़ियों से खेलने वाली मासूम बच्ची भी सुहाग रात के दिन औरत बन जाती है, सब कुछ आपकी आंखों के सामने होगा। मेरी बच्ची को बचा लो, अरे ये मेरी ही नहीं तुम सबकी बच्ची है, तुम सबकी बच्ची है बस्ती वालों, कोई तो हिम्मत करके आ जाओ और इस पापी का सर कुचल डालो, इसके पापों का घड़ा भर गया है, एक टोकर बस, बस एक टोकर और ये मिट्टी में मिल जाएगा। छोड़ दो मुझे, नहीं छोड़ दो मुझे, अब आपका दामाद इन सब के सामने इनकी साक्षी में आपकी बेटी के साथ सुहाग रात मनाना चाहता है। ये क्या कर रहे हो,
अरे कोई तो बचा मुझे इस राक्षस से। रामसदी, अपने मुंह से कह कि मेरे पति मेरे साथ सबके सामने सुहागरात मना, वरना मैं मारता ही रहूंगा। सुहागरात मनाएगा? इन सब के सामने मेरे साथ सुहागरात मनाएगा? मेरा पति मेरे साथ सुहागरात मनाएगा? आप सब लोगों के सामने? मैं सुहागन हूँ, मेरा पति ये है, मेरा पति मेरा परमेश्वर है, मेरा पति राक्षस नहीं है। क्या हुआ शांति देवी, आपने चीखना चिल्लाना बिल्कुल बंद कर दिया? हाँ, शायद सुन ली आपकी किसी ने पुकार। हाँ? अगर भगवान है तो जरूर सुन ली होगी, जरूर सुन ली होगी। मैंने कहा था ना, तेरे पापों का घड़ा भर चुका है। देख, एक की जगह दो दो ठोकर मारने वाले आ गए। देख, ढूंढ डालो इन हरामजादों को। हर हर महादेव। कुंभकर्ण मर गया रावण, अब तेरी बारी है। ये सतयुग नहीं कलयुग है बुढ़िया, इस युग में रावण कभी नहीं मारा जा सकता। को इतना नीचे कर दो ताकि मगरमच्छ उछल कर इसके बेटे की कमर तक पहुंच सके और एक ही झटके में इसका धड़ काट कर इसकी आंखों के सामने उसे निगल जाए। ब्रिजभान, तेरे हर जुल्म के बाद मुझे तेरी मौत और भी भयानक होती नजर आती है। अब तुझे देखने लगता है कि तू मेरी लाश के आगे ढोल बजा बजा कर नाच रही है। ढोल मंगाओ और जबरदस्ती इस बुढ़िया के गले में बांधो ताकि अपनी बेटी की अर्ध खाई लाश के चारों तरफ ढोल बजा बजा के नाच सके। ले बजा, बजा बुढ़िया ढोल बजा, और इतनी जोर से बजा कि अगर नकार खाने में तेरा भगवान है तो उसके कानों के पर्दे भी फट जाएं। बजा ढोल बजा, ये नीचे करो, बजा बुढ़िया ढोल बजा। तेरा ये अरमान भी पूरा किए देती हूँ,
ये अरमान भी पूरा किए देती हूँ। को प्रभु दारुण दुख दे ताकि मति पहले हर ले। चुप ब्रजभान, मैं तुम्हारी हर शर्त मान लूंगी। जिस शरीर को तुम अपने लाखों करोड़ों के खजाने से आज तक ना खरीद सके, मैं उसे इस बच्चे के जान बख्श देने के लिए खुद ब खुद सौंप दूंगी। रुक जाओ, रुक जाओ। चंपा भाई, मुझे अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा है। एक बार फिर से कहना, क्या कहा था आपने? हारे हुए माशूक से उसकी हार दोहराने को कह रहे हो? माशूक, मेरी माशूक? माशूक, मेरी माशूक। अच्छी तरह सुन लिया जॉनसन, बस इसी दिन का इंतजार था मुझे। इसे मैं आपसे कुछ दिन रुकने के लिए कह रहा था। अल्बर्ट, गाड़ी लेकर आओ। अब मैं आपको जाने की इजाजत देता हूं। जाइए समुद्र में खड़े जहाज से अपनी स्पीड बोट लेकर आइए। जाइए माशूक, मेरी माशूक। ये करीम लाला और हरी हरन के सर पर दौड़ते हुए घोड़ों की टापों की आवाजें हैं चंपा भाई। वो मेरे खाली घर की दीवारों पर अपने सरों से टक्कर मारते रहेंगे, पर ब्रिजभान तुम सबको लेकर यहां आ गया है, ये उन्हें मरते दम तक नहीं पता चलेगा। यहां तो कोई भी नहीं है करीम। एक जगह और है जहां ब्रिजभान उन लोगों को ले जा सकता है। तू यहां पर उनका इंतजार कर, मैं वो जगह भी देख कर आता हूं। हिंदुस्तान, तेरे कितने टुकड़े कर डालूंगा? पंजाब, कश्मीर, बिहार, नहीं फिर भी मेरी भूख नहीं मिटेगी, मेरी भूख नहीं मिटेगी। सिर्फ एक टुकड़ा छोड़ दूंगा, दिल्ली। वो भी एक शर्त पर, पुराना मीना बाजार वहां खोल देना। कभी कभी अय्याशी के लिए हम वहां आ जाया करेंगे। कल किसने देखा है हुजूरे आला? तुम तो खुद ही एक शमशीर बेहाना हो। फिर ब्रिजबान ने ये नंगी तलवार क्यों? हिंदुस्तान के टुकड़े जो करने हैं। करीम, तुम? करीम नहीं, हिंदुस्तान खुद तेरे सामने खड़ा है। यहां का एक एक हिंदू और मुसलमान हिंदुस्तान है हरामजादे। तुझे कश्मीर चाहिए ना,
ये ले। मालकिन ने तेरा नाश्ता रुकवा दिया बेटे, लेकिन भगवान ने जी भर के खाना भेज दिया। जा अपने पुराने घर चला जा और छक छक के दावत खा। नहीं, नहीं बिजवा, नहीं। अगर इस लड़के की जान बचानी है चंपा भाई, तो ऊपर के कमरे में चले जाइए, मुजरे का जोड़ा आपका इंतजार कर रहा है। संभाल कर हमेशा मैंने ये सहार अपने पास रखा है, ताकि जिस दिन तुम्हारी अमानत मुझसे कोई जबरदस्ती छीना जाए, उसे लाश के सिवा और कुछ न मिले, कुछ न मिले। पति है ना, मेरे साथ सुहागरात नहीं मनाएगा? मुन्नी, मुन्नी मैं तेरा भाई हूँ, तेरा भाई हूँ मुन्नी, मैं तेरा भाई हूँ मुन्नी। ब्रजभान, अगर भाग सकता है तो अपनी मौत से भाग। तेरी भयानक मौत तेरे पीछे आ रही है ब्रजभान। Yeah।
जुल्म तुझ पे करे यहाँ तो जला के रख दूंगा दो जहाँ। तू नसीब है मेरे प्यार का ये नसीब हो न कभी जुदा। तेरे ख्वाबों की तेरी यादों की तेरी सांसों की वही प्यास हूँ। जरा देख तो मुड़कर चलूं, वक्त बहुत कम है और काम ज्यादा। देख देख शालू, मुझे छोड़ के मत जाना। थोड़ी देर, बस 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 थोड़ी देर अपने टूटते हुए दम को थाम ले शालू। शालू सरस्वती और महालक्ष्मी की रूप वाली माते दुर्गा का रूप धारण कर ले, काली का रूप धारण कर ले। ये बंदूक नहीं है, तेरा त्रिशूल है माता। जब तक इस राक्षस के मुंह के अंदर रहेगा यहां एक भी गोली नहीं चलेगी। ये बंदूक ले मां, बंदूक ले मां, ले ले। तू सोच रहा होगा ये सब कैसे हो गया। उसकी लाठी बे आवाज होती है ब्रिजभान। अल्बर्ट बड़ी होशियारी के साथ तेरे चीफ को समुद्र में खड़ी उसकी नाव तक ले गया। साहब जी ने कहा है कि जब तक वापस ना आ जाए मैं आपका यही इंतजार करूं। वो देखिए आपकी बोट्स आ रही है। अल्बर्ट मर गया, अब तेरी बारी है। भागता कहां है? पोस्टमार्टम के लिए नहीं चलेगा, लेकिन तेरा पोस्टमार्टम तेरी आंखों के सामने होगा ब्रिजभान। क्लोरोफॉर्म देकर तुझे बेहोश भी नहीं किया जाएगा, लोकल एनेस्थीसिया भी नहीं लगने दूंगा मैं तुझे। गिरते हैं शहर सवार ही मैदाने जंग में, वो तिफल क्या गिरेगा जो घुटनों के बल चले। बदजात, ये शेर शहीदों के लिए पढ़े जाते हैं, वतन परस्तों के लिए पढ़े जाते हैं। जब अपने घुटनों पर और मुन्नी के कदमों पर नाक रगड़ कर कहे कि मैं शेर सवार नहीं, मोरी के रेंगने वाला एक कीड़ा हूं। माफी मांग इससे, आप जल्दी से ठीक हो जाइए वरना जूतों के तलवे मसल दिए जाएंगे। हरगिज नहीं, राजा की तरह जिया हूं और राजा की तरह मरूंगा। वतन को बेचकर दल्ले की तरह जिया है तू, और सड़क के लवारिस कुत्ते की तरह मारा जाएगा, समझे? मुनि मारे से अपने एक एक जुर्म याद करके मार मार मार। तू मार मुन्नी, मार दीदी, मार मुन्नी, मुन्नी मार से मार, कभी नहीं। और मार, देख ले मां, देख ले, देख मुन्नी ठीक हो गई। वतन को बेचने वाला गद्दार पकड़ा गया, और ये किस मुल्क के हाथों अपने वतन को बेच रहा भी बताता हूं। वो तो मर गया। हम उस मुल्क के नए इंटेलिजेंस ऑफिसर आए हैं। ऐसे लोगों के लिए हमारा मुल्क
हर नैले के पीछे एक दैला रखता है। वो लड़ाई जो तुम लड़ने की कोशिश कर रहे हो, तुम्हारा मुल्क 40 साल पहले हार चुका है। दो टांगों पर खड़े मुल्क को अंग्रेजों ने चीरकर एक टांग पर हिंदुस्तान और दूसरी टांग पर पाकिस्तान खड़ा कर दिया था, और आज हमने तुम्हारे मुल्क की इंटेलिजेंस की दोनों टांगों को चीरकर एक टांग पर खड़ा कर दिया है, जो तुम हो। अंकल, अंकल ये सब कुछ कैसे हो गया? मुर्दा सिर्फ मुर्दों से बातें करता है बरखुरदार, जिंदों से नहीं। दीदी, ये तुमने क्या किया? अपने वादे, अपनी कसमें सब भूल गई? नहीं भैया, तेरी दीदी ये सब कैसे भूल सकती है? बस अमर को बचा ले तेरी दीदी। हस्ते हस्ते मर। कसम है कुरान शरीफ की, इनमें से एक भी आदमी जिंदा बच के नहीं जाएगा। धरती का खून चूसने वाले गद्दार, आज ये धरती तेरे खून से अपनी प्यास बुझाएगी। चिल्ला और गला फाड़ फाड़ के चिल्ला और कह, क्या इंदर कभी कोई गद्दार ना बने, क्योंकि ऐसी मौत उससे सही नहीं जाएगी। माँ की कोख उजाड़ देने वाले मेरे भाई नंदू के बदन पर लगी है कि गोली का मुझे हिसाब दे।
मुन्नी की आंखों से भरे एक एक आंसू का हिसाब दे। मेरी शालू को जहर पीने के लिए मजबूर करने वाले वैसी जानवर, तुझे मैं जानवर की मौत मारूंगा। जब तुम्हारी भटकती हुई रूह तुम्हारे मुल्क पहुंचे तो एक एक शैतान से कहना कि दोबारा हमारे देश की तरफ आंखें उठाने की जरूरत ना करे। एक आंख में हिंदू गोली मारेगा और दूसरे में मुसलमान। करीम! लो संभालो इसे ताकि मां के सारे अरमान पूरे हो जाएं। के बजाय दो 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 नंदू छोड़कर जा रहा हूं। करीम अरे हाँ बड़े भाई, मां मां को संभालना। अमर नहीं, आज से तुम्हारी मां तुम दोनों के हवाले छोड़ रहा हूं। शालू 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 भाई। मुझे जाने दे करीम, जाने दे मुझे। तुझ पे इतना प्यार मुझे क्यों आता है। तेरा प्यार